हे गाइस, अगर आप सोच रहे हो कि ये लड़की के चेहरे पे इतनी मुस्कान क्यों है, तो ये डिस्चार्ज की मुस्कान है। तो लड़की को डिस्चार्ज फाइनली मिल गया है। अभी भी 1 घंटा बाकी है ऑब्वियसली देने में, बट फाइनली डिस्चार्ज मिल गया है। और यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, ये इसके डैड, ये इसके मामा। देखो फुल यहाँ पे एडमिट और यहाँ पे फुल। देखो तो इसके डैड मैंने एंटरटेन कर लिया वैदु को पिछले ब्लॉग में। इस ब्लॉग में वैदु के डैड उसको एंटरटेन कर रहे हैं, पर चलो इसका फॉर्मेलिटीज पूरा करते हैं और फिर निकलते हैं हम लोग, ठीक है। ब्लॉग में जाता डायरेक्ट। तो गाइस चलो कंटिन्यू करता हूँ मैं, बिल विल हम लोग को सब कुछ क्लियर करना है और उसके बाद फिर हम लोग वैदु को घर पे लेके जाएंगे और बात करेंगे उससे और मिलते हैं आपको। तो ये हमारा सामान, ये हमारा बैग, ये आपकी वैदु, हम लोग जा, वो हमारी गाड़ी वहाँ, इसके डैड वैड सब लोग वहाँ पे रुके। तो फाइनली डिस्चार्ज हो गया और हम लोग जा रहे हैं घर पे। अब घर जाते हैं, लेके जाते हैं बेचारी को, आज बहुत दिन बाद अच्छे से घर पे जाएगी। वैदु एक्साइटेड, आपकी दुआएं काम आ गई। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्यूटिफुल कॉमेंट्स मैंने देखे थे, और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द प्रेयर्स दैट यू डिड। तो चलो घर जाते हैं और फिर घर जाके कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। बहुत थक गए, 2 दिन से यहीं पे थे, आराम चाहिए लगती है। लेट्स गो होम। हे गाइस, तो फाइनली आ गई वैदु घर और वो चली गई है उसके घर और मैं हूँ अपने घर पे। आज थोड़ा बढ़िया लग रहा है। अब आपने बहुत सारे कमेंट किए थे इसके पहले और आपने बोला था करण भाई आपके डैड कहाँ पर है। तो मेरे डैड अभी मेरे पास है, तो मैं सोचा चलो मेरे डैड को मिला देता हूँ आपसे। मेरे डैड अभी जस्ट आए हैं घर पे थोड़ी देर पहले, तो मेरे डैड से मिलिए। ये है मेरे डैड जो कि एक पुलिस अफसर है, लेकिन कभी लगते नहीं है कि पुलिस अफसर है। इतने सादा आदमी है ये, इतना सादा मतलब इतने सिंपल, ऐसा आदमी मैंने कभी देखा नहीं है। मतलब हाय गाइस, ओह माय गॉड, पापा भी ब्लॉग देखते गाइस हमारे, तो पापा को समझ गया हाय गाइस वगैरह बोलना है। तो पेशे से आप क्या है बताएंगे लोगों को? मैं पेशे से ये पुलिस है, पुलिस। तो मेरे डैड एक पुलिस है और वो उनका ना जॉब है भुसावल में, ठीक है। तो वो मेरे को और मेरी मॉम को छोड़ के भुसावल में रहता है क्योंकि वहां पर उनका पोस्टिंग है। वो 500 किलोमीटर दूर है ना, 500 किलोमीटर दूर है। तो आते रहते हैं 15 दिन में या फिर 1 महीने में एक बार घर पे और फिर 2-3 दिन रह के चले जाते हैं। बट अभी जैसे कि आपने देखा था इसके पहले वाला ब्लॉग, मेरा भाई भी आ गया है घर पे। तो डैड बहुत ज्यादा छुट्टी लेकर आ गए है मेरे भाई से मिलने, और बस एक महीना छुट्टी। अच्छा, जब भी डैड आते हैं ना 1 महीना छुट्टी लेते हैं, फिर लास्ट के जो 5-10 दिन होते हैं उधर मैं घूमने निकल जाता हूँ। तो हम लोग भी कहीं पे घूमने जाएंगे, उसका टेंशन मत लो आप। बंटी किधर है बंटे? मेरा भाई कुछ तो बना रहा है, आ जाओ किचन में आपको बताता हूँ। कुछ बन रहा है। अरे किचन में नहीं, वो तो बेडरूम में। बोलता है मत ना भैया, प्लीज मत ले। बट गाइस मेरे भाई को बेचारे को टाइफाइड हो गया, मतलब मैं यार मत ना बेचारा यार। मेरा भाई बेचारा थोड़ा सा बीमार है। खिचड़ी बनाएगा? यस, बहुत भारी। मैं एक चीज बोल रहा हूँ आपको, इतना बढ़िया खाना बनाता ना, इतना बढ़िया फर्स्ट क्लास खाना रहता है इसका, मजाक नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। मतलब अगर ये एक डिश मेरे को 500 में भी बेचेगा ना तो भी मैं खरीद लूंगा, इतना बढ़िया। कितना पैसा दिया है तेरे को बोलने का? 200 रुपए पेड़ प्रमोशन। तो गाइज यही था आज का व्लॉग, मुझे बस आपको बताना था कि वैदु अभी बिल्कुल ठीक है, आ गई घर पे। कल जाऊंगा उसके घर पे और उसके घर से व्लॉग करूंगा, ठीक है। आपने वैदु का घर देखा नहीं तो घर, उसके घर से व्लॉग किया जाएगा। और बाकी मेरे डैड तो हमेशा ब्लॉग में आते रहेंगे, मेरी मम्मी को भी लेके आते जाऊंगा, और ये छोटू जब तक है तब तक, ये और 14 दिन है हमारे साथ, तो है ना, उसके बाद भी हो
मतलब 14 दिन इंडिया में है, उसके बाद ये जा रहा है वापस न्यूयॉर्क यूएसए जहाँ पे भी रहता है, पता नहीं कहाँ पे रहता है, मेरे को तो लगता है इधर ही किधर तो रहता है, पागल बनाता है, इधर किधर 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 रहता रहेगा ये पता है, गुलाब नगर में जाता रहेगा, बोलता रहेगा कि यूएसए है, बट नहीं चलो 14-15 दिन के लिए है हमारे साथ, तो फिर बस व्लॉग आते रहेंगे बहुत सारे, इसको भी बोलूंगा कुछ डिश बनाने मेरे लिए। ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कल के ब्लॉग के लिए वेट कीजिए, क्योंकि कल का ब्लॉग वैदु बेकर से होने वाला है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्टे ट्यून्ड।